भाई आज मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे को प्योर असील मुर्गी। देखो ये असील के बच्चे हैं, हमारे बच्चे तैयार होने वाले हैं अभी, बस कोई बोलने लगे हैं। अभी देखो ये प्योर असील के बच्चे दिखा रहा हूँ आपको, आपने कभी दिखा नहीं होगा। ये तो इधर ही है, देखो ये प्योर असील, आपने कभी लाइफ में ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे। ये तो प्योर असील, कोई बोलता है कि हमारे पास असील है या वो है, तो ये देखो प्योर असील, ये इसको बोलते हैं प्योर असील। देखो ये है मेरे पास 5 मुर्गे, बहुत टॉप क्वालिटी के, अपने आप हो गए बच्चे, घर के निकाले मैंने। ये देखो ये प्योर असील, देखो इनकी हाइट देखो कितनी है, आप देख सकते हो इतने पतले, जितने लंबे होंगे ना उतने लड़ाई में माहिर होते हैं ये। फिर सिर्फ फाइटर मुर्गे हैं, ओनली फॉर फाइटर, फाइट करने के लिए होते हैं। ये रहा, बिल्कुल फाइटिंग मुर्गे हैं मेरे पास, बिल्कुल एक नंबर के फाइट मुर्गे, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के काम देते हैं। ये बहुत फाइट मुर्गे हैं, कोई बोलता है कि असली ओरिजिनल नहीं है, तो आप ये देख लो मेरा बड़े मुर्गे, इनकी हर चीज़ प्योर असील मुर्गे एकदम। मैं आपको और दिखाता हूँ, उस तरफ चले गए हो जो फ्री रेंज एरिया में घूम रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गे पास, मेरे पास और बहुत है लेकिन असील दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ असील। ये देखो, ये देखो हाइट, आप हाइट देख सकते हो इनकी, वो रहा एक, देखो वो जा रहा उधर, ये देखो ये वो जा रहा, ये देखो प्योर असील मुर्गे आपको इनके सामने दिखा रहा हूँ। इनका कोई खर्चा नहीं, इनको सिर्फ मार्केट से मीट कटिंग चिल्ला के दुकान में बीट ला के डालना, उस समय के लिए उन काजू बादाम खिलाना भी छोड़ दिया, काजू बादाम बड़े हो गए अपने बच्चे तक, थोड़े थोड़े खिलाना है कि हल्का हल्का आधा काजू आधा बादाम, ज़्यादा नहीं, बच्चे थोड़े थोड़े इनकी वैसे तैयार करना इनको। बस देखो आप लड़ते हैं लड़ते हैं, ये देखो बहुत ही फाइटर असील मुर्गे, मैं लड़ाई नहीं कराता लेकिन मैं सो के पालता हूँ, उनको बेचता हूँ, जो फुल बड़ा हो जाएगा बहुत बच्चा भी बोलने लग जाएगा 10,000 में उसको आराम से बिक जाएगा। नहीं तो आप इसके असाद का मुर्गा लेके आओ, उसे फाइट करा लो, अगला 2 मिनट नहीं भोगेगा अगला फाइट रहा। अभी 7-8 दिन पहले लेके आया था बंजारा, बोला बहुत बढ़िया मुर्गा है मेरे पास फाइट रहा, क्योंकि भाई लिया भाई तेरा करा ले इनके उम्र वालों से, उनको तो एक झटका ही नहीं चला, ये झटका मुर्गा वो भगा। तो बोला भाई ये तो इधर आपकी जगह है, तब डर गया मैं, चलो ठीक है तुम इनमें से बता दे कि कौन सा मुर्गा, वो तेरे वहाँ लेके आ जाऊँगा मैं। तो बोलेगा फिर वो बोला ये लड़ा मैं, ठीक है भाई दूसरा लेके गए, वही हालत उसकी वहाँ कर दी। तो बोला ऐसे कैसे, मैं बोला भाई इनको दिन भर फ्री रेंज एरिया कन दौड़ाता हूँ, इनकी पीटी कराता हूँ फौज की तरह, वो दिन भर भगाता हूँ इधर से इधर इधर से उधर, ताकि इनके सांस नहीं उठे और इनको लड़ने की क्षमता बढ़े। कि जो फ्री रेंज एरिया के अंदर मुर्गा घूमेगा, चाहे कोई ब्रीड हो, चाहे एक बॉयलर को छोड़ के, वो सब मुर्गे अच्छे हो जाएंगे, वो इतने कठोर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये है मेरे असील मुर्गे, ये बच्चे बिल्कुल ओरिजिनल, ये रहा बड़वा असील, तो ये देखो इसके बच्चे नहीं हो, दूसरे असील था वो मैंने बेच दिया 13,000 का, उसका बच्चा है, उसकी मदद कर दो, मैंने 20,000 का जोड़ा बेचा था मुर्गे, उनके बच्चा ये देव दो असील, देखो ये आप ये देखो आप ये देख लो, ये क्या असील कैसे होते हैं, बाढ़ उड़ जाते हैं, बाढ़ नहीं होती है, शरीर में पंख नहीं होती है, देखो बाकी वो देख सकते हो, तीनों दो चुक रहे हो, ये देखो ये मुर्गा, ये एक ये दो ये रहा, इसको बोलते प्योर असील, आप देख सकते हो इसकी बॉडी देखो, इसकी शरीर देखो, इसे चलने का ढंग देखो, बोलने बोलते हुए बच्चा है अभी, वहाँ देखो ये देखो इनकी हाइट देखो, जमीन से कितने हाइट है, पत्थर पड़े मोटे मोटे पत्थर छुप हाट दो कितनी, ये मैंने पिलर रोप रखा है, ये पिलर की हाइट है 5 फुट की, और देखो ये इनकी हाइट देखो, आप देख लो कितनी हाइट है, आप अंदाजा लगा सकते हो यार, फिर पकड़ता नहीं, गोदी में मिलता कभी छूता नहीं, अपनी मर्जी से निकल कोई पकड़ के नापता नहीं, ऐसे देख सकते हो आप, ये देखो मारा एक देखिए चुकरा, ये प्योर असील, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मुर्गी है। जो बिंदा असील के बारे में जानता है ना, वो बोलता वास्तव में चीज़ है, ये देखो ये क्वांटिटी बहुत कम मिलती है भारत में, बहुत ही कम, ना के बराबर मिलती है, वैसे हर इंसान आपको असील बना देता है, मैं बोल दूंगा ये देखो ये बोलते ये असील मुर्गा है,
ये ऐसी नहीं है भाई, ये हमारे भारत की रोगिष्ठा ब्रिड है, ये 700 रुपये का मुर्गा है मात्र। ये अंडों को लेके ये मुर्गियाँ तो खड़ी नहीं है, ये भी असील नहीं है, ये टेढ़ी मुर्गियाँ देखो, ये दिख रही है रेड कलर की, ये देखो ये भी टेढ़ी मुर्गी है, इधर दिख रही नहीं है, ये तो दो है, देखो इधर बच्ची ने ये बच्ची है, ये असील मुर्गी ओरिजिनल बच्ची है अभी, ये देखो ये ऐसी भी, ये भी ब्राउन कलर, ये टेढ़ी है, ये देखो कड़कनाथ है, ये देखो अपन, ये देखो ये मुर्गा असील का है ओरिजिनल, ये देखो दो मुर्गी हैं, एक बड़ी छोटी है ना, ये छोटी हमारी तरफ मुँह कर रखी, ये असील मुर्गी की बच्ची है, ओरिजिनल ओरिजिनल असील मुर्गी है, देखो आप ये बच्ची है, अगर अंडे देने में अंडे पर नहीं है, अंडे नहीं शुरू किया, जिन्हें छोटी है, इन्हीं मुर्गों के साथ की है, तो मुर्गा ने इनको तो बिक्री होगी, इनके साथ की है, अब की बार हमारे मुर्गे बच्चे निकलते और मुर्गे ज़्यादा निकलते हैं, मुर्गियाँ कम निकलती है, देखो ये आ रहा है, देखो ये देखो हाइट, ये दिन भर फ्री रेंज एरिया के अंदर रहते हैं तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, बिल्कुल कीड़े मकोड़े, आप कोई झगड़ा नहीं करना, अपना 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 काम में व्यस्त रहते हैं, और जो जिसे घास बड़ा हुआ बस चुगते थे, तो ये घास चुग रहा है, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है घास है, इधर ये चुग रहा है, उसे बहुत उतार मिलता है, अभी 5-7 दिन हुआ बारिश हुई, घास होना शुरू हो गया, तो बगल में तो मेरे बहुत बड़ा बड़ा घास है, घास है, कुछ बुझाई नहीं करा, धान नहीं है, घास है ओनली जंगली घास, लेकिन हमारे यहाँ ये इसमें एक एकड़ के अंदर मुर्गे चूंट लेते हैं पूरे घास को, देखो ये चूंट रहा था, ये देखो ये दिन भर चूंटते रहते हैं, दिन भर सपना खा के अपना खा लेते हैं, वो दिन भर आप देख सकते हैं, देखो मैंने आपको प्योर असील के बच्चे दिखाए हैं, प्योर असील जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, ये देखो ये, अरे वो छोटा वाला वो भी असील है, वो भी तैयार हो रहा था अभी, ये बच्चा छोटा था वो देखो, वो घूम रहा लास्ट में, ये देखो ये, और भी मेरे पास छोटा छोटा असील है, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो वीडियो में बंद रहे अंत तक, ये देखो ये असील, ये ओरिजिनल असील देखो, आज पानी रात को बारिश बहुत तेज है तो पानी रुक रुक गया है, पानी रुकने से क्या कीड़े मकोड़े इनके अंदर गिरते ना, वो यहीं रह जाते रुक जाते हैं, फिर वो मुर्गे खा लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटे असील के, बोलते हैं गर्मी में बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो होता तो आपको मैंने निकल लिए 15 अंडे रह गए, 15 बच्चे निकल गए, छोटे बच्चे बिक गए, बंदा ले जा ले जा रहा कोई नहीं, वो शौक था उनको भी, ये मुर्गी तो टेनी मुर्गी है, नॉर्मल मुर्गी है, लेकिन अंडे असील बच्चे पूरे असील के निकले हैं, मैंने उस तरफ खाते ना गोबर गोबर से कीड़े आते हो खाते थे, 4 दिन के बच्चे थे, ये बहुत निकल रहे, लेकिन वो एक खरीदवा ले गए, व्यापारी मान नहीं बोलते थे छोटे बच्चे से, नहीं तो क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं थे, बड़े मुर्गे लेने के जितने छोटे लेके पाल के बड़े कर लेते हो, तो ये टेढ़ी मुर्गी बच्चे हैं छोटे टेढ़ी के, अंडे लिख लिया तो मैंने बच्चे दे, ये तो ये टेढ़ी है असील के नहीं है, ये नॉर्मल है, पर वो असील के बच्चे हैं पूरे, और कहाँ चल गए बड़े वाले, ये देखो ये आ रहे बड़े वाले बच्चे, ये बिकते रहते हैं बच्चे, वो बचते बड़े होते रहते हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है, ये देखो ये मुर्गियाँ तीनों मैंने रखी थी, वही छोड़ मिडिल क्लास का, देखो ये असील का मुर्गा, ये मुर्गा असील और देना काला कलर का, काले वाला इसका हड्डी के लिए आपको भी सिंह देखो, आप ही बच्चे पाल सकते हो पूरे असील के, बहुत बेहतर क्वालिटी के बच्चे हैं, मैंने असील के मुर्गे दिखाए आपको कैसे लगा, ये असील नहीं है बच्चा टेढ़ी निकाले, वो पहले मैंने असील के दिखाया उनको, देखा ये असील के बच्चे थे, अभी निकला है मैंने 15 अंडे मिले, 15 बच्चे निकाल दिए, इनके पास 8 रहे हैं, बाकी सेल कर दिए, देखो ये कीड़ा आता है कितना जल्दी खा रहा था वो खा गया, वो दूसरा वाला छीन रहा, देखो ये 3 दिन का बच्चे कैसे झगड़ा कर रहा है, उसको दो हिस्सा कर लिया, आधा कैसे मंगा है तुम, उधर कीड़ा आना चाहिए आते खा जाता है, ये मुर्गी टेनी है,
बाकी पी डी एंजी यदि दिखाया मैंने आपको अंदर ऐसे घूमने पूरे ये बाहर जाने का रास्ता है इधर से, और जदू से जाने लगे पूरे में घूमते रहते हैं।